सबसे पहले बात बीकानेर की करेंगे। बीकानेर से बड़ी जानकारी मिल रही है, जहां बज्जू में बीएसएफ ने संदिग्ध पकड़ा है। दरअसल बॉर्डर के पास ये संदिग्ध पकड़ा गया है। रणजीतपुरा गांव के पास कार्रवाई की गई है। बज्जू थाना लाया गया है संदिग्ध, फिलहाल उससे पूछताछ करने की कार्रवाई है। बता दें कि पुलिस, आईबी और सीआईडी संदिग्ध से पूछताछ करेगी। एक्सक्लूसिव तस्वीरें जी मीडिया पर आप देख सकते हैं। ये पूरा मामला बीकानेर का है। बीकानेर के बज्जू में एक संदिग्ध को पकड़ा है बीएसएफ ने और अब उससे पूछताछ करने की तैयारी है। बॉर्डर के पास घूम रहा था संदिग्ध, रणजीतपुरा गांव के पास कार्रवाई करते हुए बज्जू थाना पुलिस अब उसे थाने लेकर पहुंची है। अब पुलिस, आईबी और सीआईडी उससे पूछताछ करेगी। जी राजस्थान न्यूज पर सबसे पहले ये तस्वीरें, ये खबर आप देख पा रहे हैं। एक बार फिर से आपको बता दें, बड़ी जानकारी बीकानेर से, एक्सक्लूसिव तस्वीरें जी मीडिया पर आप देख सकते हैं। बता दें कि बीकानेर में संदिग्ध पकड़ा गया है। बॉर्डर के पास से संदिग्ध को पकड़ा गया है, फिलहाल संदिग्ध से पूछताछ करने की तैयारी है। आपको बता दें कि पुलिस, आईबी और सीआईडी पूछताछ करेगी। जी मीडिया संवाददाता किशोर बेड़ावत हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। किशोर, क्या जानकारी है फिलहाल संदिग्ध के बारे में? बीकानेर के बज्जू बॉर्डर के पास रणजीतपुरा गांव के पास बीएसएफ ने एक संदिग्ध को पकड़ा है। संदिग्ध को पकड़ने के बाद बज्जू थाना लाया गया है। जो संदिग्ध है वो बिहारी भाषा बोल रहा है। अभी उसका मेडिकल चेकअप करवाया और सीआईडी उससे पूछताछ कर रही है। जी सुनीता, बिल्कुल, सीआईडी ने पूछताछ शुरू कर दी है। किस हालत में पकड़ा गया संदिग्ध और क्या अब तक कुछ जानकारी मिली है, किस इरादे से घूम रहा था? जी सुनीता, वो संदिग्ध अवस्था में बॉर्डर के आसपास घूम रहा था। रणजीतपुरा जो बॉर्डर से 15 किलोमीटर पहले वहाँ बीएसएफ को संदिग्ध अवस्था में घूमते हुए पाया गया। बीएसएफ ने उसे पकड़ के बज्जू थाना लाए और यहाँ पूछताछ जारी है। चलिए, शुक्रिया आपका किशोर इस पूरी जानकारी के लिए। बीकानेर का पूरा मामला, एक्सक्लूसिव तस्वीरें जी राजस्थान न्यूज पर सबसे पहले। बीएसएफ ने पकड़ा है संदिग्ध, जिससे पूछताछ कर रही है सीआईडी की टीम।